नमस्कार साथियों, बोटैनिकल नेम और उनके साइंटिफिक नेम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का बोटैनिक हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। आपके न्यूज़पेपर में ये क्वेश्चंस बनाए, मैगजीन्स में बनाए और अदर स्टेट में जितने भी आयुर्वेदा फार्मासिस्ट के एग्जाम हुए, डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जामिनर ने पूछा है। इमेज बड़े ध्यान से देखिए, आखिरी ये इमेज कहती क्या है, अगर आप जानते हैं तो बताइए। देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पर क्लियर करता हूँ, जो कि पहली बार स्टूडेंट्स जुड़े और उन्हें मालूम नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश आयुर्वेदा फार्मासिस्ट की तैयारी करें या फिर हिमाचल प्रदेश आयुष विभाग पोस्ट कोड 1025 के लिए कोर्सेज ज्वाइन नहीं किए हैं, तो जल्द से जल्द कर लेना। यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना। वीडियो कोर्स इसमें आपको मिल रहा है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, लाइव क्लासेस हैं, लाइव का रिकॉर्डिंग भी है, डेली टेस्ट आपको मिल रहे हैं। और इतना ही नहीं, 5 से 6 हज़ार एमसीक्यू सीरीज भी हमारी शुरू हो चुकी है, जो कि टॉपिक वाइज आपको मिल रही है। और आयुर्वेदा फार्मासिस्ट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए ये सीरीज बिल्कुल रामबाण आपके लिए रहने वाली है। और इतना नहीं, डेली टेस्ट भी मिल रहे हैं जहां पे आप खुद को चेकआउट करते हैं। और क्या क्या मिल रहा है, मॉक पेपर है, मॉडल पेपर है और अदर स्टेट में जितने भी आयुर्वेदा फार्मासिस्ट के एग्जाम हुए हैं, वो सारा का सारा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप करना है जल्द से जल्द, समय रहते हुए, ठीक है। चलिए टॉपिक के ऊपर आते हैं। टॉपिक क्या है, इमेज देखिए। क्या है ये इमेज, देखिए ये इमेज है दारू हरिद्रा। क्या है ये दारू हरिद्रा, देखिए तीन प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं। कितनी प्रजातियां, तीन प्रजातियां। कौन कौन सी है, बर्बरिस एरिस्टाटा है, बर्बरिस लिशियम है, बर्बरिस एशियाटिका। ये तीन प्रजातियां हैं आपकी दारू हरिद्रा की। एग्जामिनर क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछता है। लेकिन लेकिन चिकित्सा के लिए क्या चीज यूज होती है, दारू हरिद्रा, यानी कि फर्स्ट, ठीक है। बर्बरिस एरिस्टाटिका जो है, ठीक है, ये आपके चिकित्सा के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस हम कर लेते हैं। देखिए इसका जो पौधा है सीधा और छोटा होता है, ठीक है। इसके तने की छाल खुरदरी होती है, इसके पत्ते लंबे चौड़े होते हैं, इसके पत्ते गहरे हरे रंग के और चमकीले होते हैं, इसके फूल छोटे होते हैं, इसके फल 7 से 10 मिलीमीटर अंडे अंडेकार लाल या फिर श्यामले नीले रंग के होते हैं। इसमें फूल आने का जो समय है वो मार्च से अप्रैल और फल आने का जो समय है वो है आपका मई से जून। ये तो आपके लिए छोटी सी बेसिक सी जानकारी, लेकिन इसका यूज क्या क्या है और इसके फायदे क्या क्या है वो तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन इसके नाम, क्योंकि यही चीज एग्जामिनर पूछता है। देखिए दारू हरिद्रा के और भी अन्य नाम है जिसमें आपकी हिंदी इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। दारू हल्दी, दारू हरदी और उत्तराखंड किंगोरा, ठीक है, इसको हम कहते हैं हिंदी में, ठीक है, एग्जामिनर पूछता है। इंग्लिश में देखिए इंडियन बर्बरी ट्री टर्मरिक और नेपाल बर्बरी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। संस्कृत में देखिए आपको दारू हरिद्रा ही याद रखना है, क्योंकि आज तक क्वेश्चन जो है वो दारू हरिद्रा से ही बनाए संस्कृत में, ठीक है। तो बाकी याद करने तो कर लीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और ये पीडीएफ कहाँ पे मिल जाएगी, व्हाट्सएप फ्री ग्रुप्स ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और दारू हरिद्रा के फायदे क्या क्या है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ मैं की फैक्ट आपको यहाँ पर बताऊंगा क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, बाकी डिस्क्रिप्टिव इसके लिए ज्यादा नहीं है, ठीक है। दारू हृद्रा के जो फायदे हैं, देखिए बुखार में दारू हृद्रा से फायदा होता है, घाव सुखाने के लिए दारू हृद्रा का इस्तेमाल होता है, सूजन को ठीक करता है दारू हृद्रा, आंखों की बीमारी में फायदेमंद दारू हृद्रा का प्रयोग होता है, दारू हृद्रा के इस्तेमाल से जुकाम में लाभ होता है, मुंह के रोग में दारू हृद्रा के उपयोग से फायदा होता है, पीलिया में दारू हरिद्रा के इस्तेमाल से लाभ होता है, एनीमिया में लाभ पहुंचाता है आपका दारू हरिद्रा, ठीक है। कफज विकार में दारू हरिद्रा से फायदा होता है। देखिए कितने ज्यादा फायदे इसके रहते हैं, तब तभी तो एग्जामिनर डालता है क्वेश्चन, ठीक है। ल्यूकोरिया में फायदा पहुंचाता है दारू हरिद्रा, कुष्ठ रोग में लाभदायक है आपका दारू हरिद्रा, मूत्र रोग में लाभ पहुंचाता है दारू हरिद्रा, सांप के काटने पर दारू हरिद्रा का प्रयोग फायदेमंद है, खूनी बवासीर के लिए इलाज के लिए दारू हरिद्रा का इस्तेमाल करें, दारू हरिद्रा जो आपके साइनस का है जो इलाज है उसके लिए भी ठीक रहता है, साइनस यानी कि जो नाक की हड्डी जिसे हम कहते हैं कि बढ़ गई है, नाक की हड्डी या नाक का मांस, ठीक है, और फिर कुछ एलर्जी जैसे सिम्टम्स रहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी परफेक्ट है। पित्त तथा कफ दोष में दारू हृद्रा के प्रयोग से लाभ होता है, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि दारू हृद्रा के इस्तेमाल की जो मात्रा है, ठीक है, देखिए अगर चूर्ण की बात करें तो 0.5 से 3 ग्राम, ठीक है, और इसके रस की बात करें तो 1-2 ग्राम, ठीक है, और बाकी चिकित्सक के परामर्श और इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसकी क्या चीज यूज होती है, ठीक है, इसका देखिए जड़, जड़ की छाल, तना, तने की छाल,
लकड़ी, फल, ठीक है, ये सारी चीजें इसकी, दारुहृदा का मतलब कंप्लीट यूज होता है, ठीक है। अब देखिए कहाँ पे ये पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये भी पता होना चाहिए। देखिए भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय हिमालय में, यानी कि 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर और नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में ये दारुहृदा जो पाया जाता है। इसके साथ साथ दारुहृदा विश्व में नेपाल, भूटान, श्रीलंका में भी ये पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा शीतोष्ण कटिबंधीय एवं उष्ण कटिबंधीय एशिया, यूरोप और अमेरिका में भी ये पाया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट था तो आज का देखिए, हमने दारुहृदा के बारे में पढ़ा कि इसकी जो खेती है वो कहाँ कहाँ पे होती है, ठीक है, कहाँ पाया जाता है, इसका उपयोग दारुहृदा का क्या चीजें उपयोग की जाती है, जिसमें हमने क्या पढ़ा, जड़ होती है, जड़ की छाल, तना, तने की छाल, लकड़ी वगैरह, ठीक है, ये हम यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें हमने पढ़ा इस्तेमाल की मात्रा, कितना यूज करना चाहिए, क्या क्या लेना चाहिए, और इसके हमने इतने सारे फायदे हमने देख लिए कि दारुहृदा के क्या क्या फायदे होते हैं, ठीक है। और हमने इसके नाम पढ़ लिए, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन जो बन जाता है, ठीक है। और हमने इसके बारे में प्रजातियां पढ़ ली कि कौन कौन सी प्रजातियां इसमें, और ये रही आपके दारुहृदा की इमेज, ठीक है। और बाकी क्लासेस ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप करिए, डेली टेस्ट लगाने के लिए व्हाट्सएप करिए। चलिए इसी के साथ जय हिंद।